रूम रेडी हो गया भाई अपना, ये वाला। इस पे अपन लोगों ने शिफ्ट हो जाना है अभी थोड़ी देर में, अपन लोग मतलब मैंने। बारिश हो रही है जबरदस्त यार, सुबह से बारिश ही होने में लगी हुई है, रुक ही नहीं रही है यार। यहाँ पे कभी भी बारिश हो रही है, कभी भी धूप निकल आ रही है, मसला क्या है? तो जी फाइनली बारिश रुक गई है सुबह से यार। बारिश हो रही थी भयंकर तरीके से, झमाझम बारिश। अभी मैं यहाँ के लैंडलॉर्ड से मिल लिया था अपने एयरबीएनबी के, थोड़ा सा दिन खुला है, शाम के बज रहे हैं 7। बिलीव नहीं करोगे, ऐसा लग रहा है कि सुबह के 7-8 बज रहे होंगे, इतनी ज्यादा वो है। हेलो बेबी, फालतू लग रही है, पीछे हट जाते हैं, इसको जाने देते हैं पहले। तो अब जो है दिन खुल गया है, सूरज देवता बाहर आ गए हैं, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा एक तो बाहर भी घूम लूँ, क्योंकि सोया था मैं, लेकिन यार बहुत पकाव हो गया कमरे में भी अकेले अकेले, क्योंकि बारिश भी इतनी तेज हो रही थी, बहुत ही डिप्रेसिंग हो रहा था। फाइनली बाहर जाके मौका मिल रहा था, ड्रोन उड़ा लेता हूँ, शूट कर लेता हूँ, थोड़ा आपको यहाँ की ब्यूटी दिखाता हूँ। इतना सुंदर है यहाँ पे, अभी तक गई नहीं है, बैठी हुई है। और देखो यहाँ पे बगल में ना एक फिलिस रिजर्व करके है, ये बेसिकली पार्क टाइप कह सकते हो, रिजर्व, जहाँ पे इन्होंने सारी ग्रीनरी कर रखी। यू कैन नॉट टेक योर कार, साइकिल्स आ रही हैं, लोग वॉक कर रहे हैं, रन कर रहे हैं। जैसे सूरज देवता प्रकट हुए ना, फीलिंग ज्यादा अच्छी हो गई, अदरवाइज तो मुझे बहुत डिप्रेसिंग लग रहा था। लोग कह रहे हैं जेट लैग नहीं हुआ, मैं तो समझ नहीं आ रहा जेट लैग होता क्या है यार, मेरे को तो ठीक ही लग रहा है, सोके एक दो घंटे। तेरा अड्डा पकड़ते हैं और ड्रोन उड़ाते हैं। यार यहाँ पे ना लोग नहीं है एक्चुअली, हम लोग जैसे इंडिया में हम लोगों को चारों तरफ लोग ही लोग मिलते हैं ना भरे हुए। तो कमिंग बैक टू एयरबीएनबी मेरे को मिला है कुछ माउंट एल्बर्ट में 20,000 रुपए के करीब, 11 दिन का, 11 नाइट्स का बेसिकली। और इसमें इन्होंने मेरे को फर्स्ट नाइट जो है वो फ्री कर दी, बिकॉज उनका वो रूम बुक था। हमने थोड़ा बहुत बोला उनको, भाई हमें भी जगह दे दो, क्या जगह ढूंढेंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है जी, चलो आप एक काम करो, आप रुक जाओ आके हमारे स्टोरेज रूम में, टेम्परेरी सेटअप है, बाकी आप अपना जानो अपना जाने दो। हमने कहा बहुत ही बढ़िया, इससे अच्छी बात नहीं हो सकती, क्योंकि कौन ढूंढेगा, कौन कहाँ जाएगा। और फाइनली मेरे को राइड भी फ्री हो गई थी, क्योंकि मेरे साथ एरिक के जो उन्होंने को छोड़ दिया था, तो आदमी को सब छोड़ ही रहे हैं, मतलब कि बस लाइट ही नहीं छूटी है, उसने मेरे को पकड़ लिया, अदरवाइज कस्टम ने भी छोड़ दिया वो स्पाइसेस और वो खाने वाने के मामले में, थोड़ा बहुत तो वो करते हैं नखरे। न्यूजीलैंड इज इनफैक्ट फेमस, वो हरभजन के जूते वाला किस्सा सबको याद आ गया होगा। कुछ खाना वाना बना लेते हैं यार, अब तो नींद भी आने लग गई है। मैगी लाया हुआ हूँ मैं, सोच रहा हूँ चाय बना लेता हूँ मैगी के साथ, उसमें काम चल जाएगा अपना। अब यहाँ पे देखो कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब एक लड़की है जो रूम खाली करके गई है, जिसके रूम में मैं शिफ्ट हो रहा हूँ, वो पेरिस की है, तो वो आई थी यहाँ पे, वो छोड़ गई है आज उसका खाना पीना ये सारा फ्रिज में रह गया था, एंड दिस इज व्हाट शेयर्ड फूड। तो यहाँ पे अब ये जो खाना है तो कोई भी खा सकता है, नॉट जस्ट मी, द ओनर एंड द पीपल हु आर शेयरिंग दिस एयरबीएनबी कैन हैव दिस फूड। खाओ यार, मस्त रहो अपना। आई थॉट आई एम इन ट्रबल बिकॉज दैट काइंड ऑफ थंडर इज वेरी क्लोज, इट्स वेरी क्लोज, या सो दिस This is the park reserve. I just want to show you the directions to supermarket. This direction, if you walk for 10 minutes, okay, you will come to the supermarket. It's a nice walk, no roads, just if you walk in this direction for 10 minutes, or even 5 minutes, you come to Unitec. If you go this direction, walk behind the football club, and you go down, you will see a river, and you can walk. This direction for that's Phyllis Creek, right? Yeah. All right. Yeah. तो गाइस ये मेरा एयरबीएनबी जहाँ पे मैं स्टे कर रहा हूँ, ये एंट्री है, यहाँ से अंदर जाते हैं तो राइट में पड़ता है रूम नंबर 4। बेसिकली रूम नंबर 4 मुझे अलॉट हुआ है, तो ये कुछ इस तरह से दिखता है। ये सामान रखने की जगह है, स्टोरेज स्पेस, देन यू हैव अ स्मॉल डस्टबिन, मिरर, काम करने की जगह, काफी कोजी वाइब है, व्हाइट कलर का है पूरा अंदर अंदर, गंदे कपड़े स्टोर करने के लिए। टीवी का भी इन्होंने एक ऑप्शन बनाया हुआ है, एक्चुअली है तो छोटा लेकिन ये व्हाइट कलर का है, क्यों इसलिए बढ़िया और बड़ा लगता है, लाइट वेट जला के तो और स्पेशियस लगता है ये। तो काफी अच्छी वाइब है यहाँ पे, यहाँ पे भी थोड़ी स्टोरेज स्पेस है, यहाँ कपड़े टांग सकते, गुड वाइब। तो दिस इज माय रूम, दिस इज द अदर रूम, रूम नंबर 3, वेयर अ जर्मन कपल इज स्टेइंग राइट नाउ। ये इनका स्टोरेज रूम है, बाय द वे यहाँ मैं रुका था कल रात को, कॉम्प्लीमेंट्री। और ये वॉशरूम है, नीट एंड क्लीन, यहाँ पे नोटिस कर सकते हो आप। इंडियंस को बहुत प्रॉब्लम होगी क्योंकि इनके पास जेट नहीं होता, उसका भी जुगाड़ में बताऊंगा आपको। यहाँ पे आप नहा सकते हो, 24 घंटे गर्म पानी आता है यहाँ पे। तो ये बाथटब कम फ्लोर है, इसी पे आप लोग नहाते हैं। ये किचन है, ये सारा शेयर्ड फूड वाला आपने देख लिया होगा।
ये सारा शेयर्ड फूड है, अवन ब्रेड बनाने के लिए, मिक्सर ग्राइंडर, पानी गर्म करने के लिए, वॉशिंग, सब कुछ खुद करनी पड़ती है यहाँ पे। पानी यहाँ टैप से ही पीते हैं, साफ पानी यहीं से ही आता है। एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड, सारा आपको वॉशिंग लिक्विड स्क्रब सब कुछ ग्लासेस पड़े हुए हैं। ये आपका LG का डिश वॉशर है, ये सैमसंग का, इन्होंने एक फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन रखी हुई है, रिन भी इनका है, कॉफी मेकिंग मशीन, माइक्रोवेव कम ओवन, यहाँ पे बड़ा वाला ओवन है नीचे, ये छोटा वाला ओवन है, फ्रिज है। अब फ्रिज का सीन दिखाता हूँ आपको, है क्या ये इंटरेस्टिंग है। अगर आप ये देखोगे, सो दिस इज 2, 1, 3, 5, 4 खाली है, बिकॉज ये रूम खाली हो चुका है, यहाँ पे मैं ऑक्यूपाई कर रहा हूँ, अब मेरा सारा सामान यहाँ पे आएगा, दिस इज 4, बाकी सब ऑक्यूपाइड है, सबने अपना अपना सामान रखा हुआ है, कोई किसी का सामान टच नहीं करता, चीटिंग नहीं करनी है, चीटिंग अलाउड नहीं है, ये दूध पड़ा है। हालांकि ऑब्वियसली दे आर काइंड इनफ, इन्होंने मेरे को कुछ सामान शेयर करने के लिए दे दिया, बिकॉज आई एम जस्ट स्टार्टिंग ऑफ, और ये सब सामान भी शेल्फ वाइज ही रखा हुआ है, आप देख सकते हो, 3, 5, 2 4 is again empty, because ये 4 इसलिए empty है क्योंकि obviously the girl has left. Table tennis table, bicycle, it's raining outside, good weather, छोटा सा gym, जिम की भी चूल्हा है, वही ठंडी करने के लिए, ऐसा होगा कुछ नहीं वैसे तो. तो ये अच्छी वाइब है, लाइट जब जलती है रात को तो बहुत ही प्यारा लगता है, और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे सब लोग अपना अपना खाते हैं, बातें भी करते हैं, और एक अच्छा गेट टुगेदर है इस टेबल पे, बिकॉज आई इंटरेक्टेड विद French and German yesterday and it was like really nice to know how these young people are exploring the world. So this is another room. This is ये landlord के बेटे का ही है, अपनी girlfriend के साथ यहाँ पे रहता है. And this is again a storage room. इसमें इनका साफ सफाई का सामान पड़ा है. So this is what's a good vibe. It's a good Airbnb and I'm loving it. जी मजा आ गया, ये तो लैंडलॉर्ड ने मेरे को बना के दे दिया। पेरिस वाली लड़की कुछ छोड़ के गई हुई थी, पास्ता वास्ता अपने को तो आता नहीं था बनाना, ये कुछ फेटा है, ये उसकी सॉसेज है, और इसके अंदर ये पास्ता पुडिंग्स टाइप है, कुछ चीज वीजे खा के देखता हूँ पता नहीं कैसा है। एडिटिंग चल रही है अपनी, जबरदस्त काम पे लगते हैं। गुड टू सी सच जेस्चर्स बाय द लैंडलॉर्ड। हेलो, इनकी तैयारी हो गई भाई जी, यहाँ पे तो लोग लगे हुए अपने घर सजाने में, ये भी बढ़िया है। अभी मैं जा रहा हूँ वाटर व्यू अपार्टमेंट्स, वहाँ पे हमारे एक मित्र हैं जिनसे मैं मिला नहीं हूँ आज तक, फोन पे बात हुई है, ग्लैडस्टोन बॉम्बे के हैं, और उनका जो फ्लैट है उसको देखने जा रहा हूँ, बिकॉज सबसे बड़ी भसड़ी घर की है, बैंक अकाउंट खोलने की है, ATM हॉप कार्ड बनाने की है, IRD नंबर लेने की है, नौकरी तो तब बाद में लगेगी पार्ट टाइम, पहले तो यही नहीं पड़ जाए, ये सबसे बड़ी भसड़े चल रहे हैं यार। अभी बज रहे हैं शाम के 7 और अच्छा सा लग रहा है, थोड़ा इंश्योर अच्छा पोजर मिल जाएगा मुझे आज घूमने फिरने का, बारिश हो रही थी ना निकल नहीं पाए, देखते हैं भाई रास्ता किधर से है बाबूजी। अब यार हवा पानी तो साफ है, ये तो सबको पता है, यहाँ पे काफी अच्छा है यहाँ पे सब कुछ, बट एक बड़ी अच्छी बात मुझे ये लगती है कि यहाँ पर ना व्हेनेवर समबडी क्रॉसेस यू बाय, चाहे वो पैदल है, चाहे वो डॉग घुमा रहा है अपना, चाहे वो साइकिल चला रहा है, ये बड़ी सही चीज मैंने देखी कि दे डू नॉट नो मी ऑफकोर्स, एंड दे ऑल्सो नो कि मैं न्यूजीलैंडर नहीं हूँ, मैं UK का नहीं हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली हाल देख के समझ आ जाता है, बट स्टिल दे स्माइल एट यू, दे विल गिव यू अ नैग, यस हाय हेलो हाउ आर यू, सो दैट्स रियली नाइस, बहुत सही कंफर्टेबल हो रहा है, और ये कुछ नया है जो शायद थोड़ा सा मिसिंग है हमारे कल्चर में, बट सही है यार, कुछ लोग मिलते हैं रस्ते में, बट दोनों तीनों लोगों ने मेरे को हाय हेलो करते हुए जा रहे हैं, इट्स अ गुड पार्ट, आई लाइक दिस, आई अप्रिशिएट इट। एक ना फन फैक्ट बताता हूँ, एक्चुअली न्यूजीलैंड में स्नेक्स बिल्कुल भी नहीं है। यार दुनिया इतनी छोटी है, मैं वीडियो बनाने में लगा हुआ हूँ यहाँ पे, आई जस्ट रियलाइज मैंने यूनिटेक ही क्रॉस कर लिया है, ये तो पता ही नहीं लगा, ये तो 10 मिनट्स बोला था लैंडलॉर्ड ने, चीटिंग है तो, ये तो 5 मिनट्स भी नहीं है, बगल में ही है वो, यहाँ चल रही है, ये रग भी लग रही है, बेचारे बच्चे के पास बच्चे ही नहीं है खेलने के लिए, और हमारे यहाँ पे एक बॉल होती है उसमें 50 बच्चे आके उसकी हवा निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे जो है ना रोड क्रॉस करनी होती है ना जब, और इतना ट्रैफिक आ रहा होता है तो ये बटन दबाना पड़ता है, और वो देख रहे हो आप भाई वो रेड दिख रहा है, जैसे वो ग्रीन होगा गाड़ियाँ रुक जाएंगी, आप क्रॉस कर सकते हो यहाँ से। यार ये सिस्टम बहुत बढ़िया है, अभी आप गाड़ियाँ देखो दुनिया भर की आ रही हैं, बढ़िया रुक जाएंगी सारी की सारी। यस आई कैन वॉक नाउ, ये सीन बड़ा सही है यार, ये वैसे फ्रैंकफर्ट में भी था। मुझे लग रहा है मैं आया तो सही हूँ लेकिन
इसका घर कौन सा है, पता कैसे लगेगा कौन सा है, क्योंकि मेरे पास तो नंबर ही नहीं है अभी एक्टिव। 1510 Excuse me, is there a Wi-Fi available? One of my friend, I just wanted to meet him and he's staying out here and I do not have the connection because I landed New Zealand yesterday. Okay, I don't know what the Wi-Fi number is, sorry. All right, okay. यार ये तो पंगा हो गया, नंबर तो चल ही नहीं रहा मेरा, ये तो नंबर नहीं चल रहा, समझ नहीं आ रहा है क्यों, इंडिया वाला भी बंद हो रखा है, जुगाड़ करना पड़ेगा। चलो भाई मिलता हूँ पहले, फिर बात करते हैं। मुलाकात हो गई है दोस्तों से, चले गए सब अपने अपने घर पे, मैंने भी फ्लैट देख लिया है इनका, और यहाँ पे गुज्जू भाई मिल गए थे शॉप पे, उन्होंने काफी सारी चीजें बताई हैं। सच अ पीसफुल प्लेस, अच्छा लग रहा है अभी वापस जाते हुए। यहाँ से मैं जा रहा हूँ घर, अब खाने का जुगाड़ करते हैं, और नींद भी आ रही है मुझे, और कल से मेरा कॉलेज भी स्टार्ट होना है, तो कल मेरी पहली क्लास 10 बजे की, उसके बाद मेरी दूसरी क्लास 2 बजे की है, इसके बीच में देखते हैं कुछ काम निपटते हैं अगर, तो वो फटाफट से निपटा देंगे। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, इससे ही मुझे मोटिवेशन और सपोर्ट मिलेगा, और बाकी न्यूजीलैंड की वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। थैंक यू सो मच, सी यू अराउंड।